हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं फाइनेंस बिजनेस के रिगार्डिंग। दोस्तों, आजकल हमारे पास भी बहुत सारी क्वेरी आती हैं। लोग कहते हैं कि सर, आज के टाइम पर फाइनेंस का कौन सा बिजनेस है, सर हम क्या एंटिटी बना करके, कौन सा लाइसेंस लेकर के सर फाइनेंस का काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग दोस्तों माइक्रो फाइनेंस यानी कि सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस को बनवाने के लिए आते हैं। बहुत से लोग निधि कंपनी के रिगार्डिंग आते हैं, बहुत से लोग RBI रजिस्टर्ड लाइसेंस चाहते हैं, RBI का लाइसेंस चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ लोग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी बनवाने के लिए भी आते हैं, ठीक है। अब उनमें से करें क्या, गवर्नमेंट जो है ना ही तो क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी को आसानी से बना रही है, यानी कि बिना लिए दिए कुछ भी नहीं बना रही है। सेक्शन 8 कंपनी में भी दोस्तों सेम सिचुएशन है। अगर आपको कोई पुरानी मिल जाती है या फिर आज की डेट में भी कोई आपकी रजिस्टर करा करके दे सकता है तो दोस्तों आप कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों MCA और ROC के अकॉर्डिंग अगर आपके MOA में ये मेंशन है कि यू कैन कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ माइक्रो फाइनेंस और क्रेडिट और लोन, तो आप जो है दोस्तों माइक्रो फाइनेंस का काम सेक्शन 8 कंपनी में भी कर सकते हैं। लेकिन जब तक आपके ऑब्जेक्ट में नहीं है आप नहीं कर सकते हैं। वैसे तो MCA बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है इसके लिए, तो आजकल रजिस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं, तो हम भी न्यू केस नहीं ले रहे हैं अभी। लेकिन दोस्तों अगर आप RBI लाइसेंस के लिए जाएंगे तो स्टार्टिंग में ही चाहे आप NBFC में जाएं या फिर दोस्तों MFI में जाएं, आपके पास होना चाहिए 10 CR का नेट ऑन फंड। जी हाँ दोस्तों, 10 करोड़ की कैपिटल अब स्टार्टिंग में ही लगेगी जब भी आप NBFC के लिए अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों हमारे पास बेस्ट ऑप्शन क्या है, दोस्तों सेक्शन 8 माइक्रो फाइनेंस में जो लोग पहले से कर रहे हैं वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों न्यू में आप ना के बराबर जाएं या न्यू में ना जाएं, क्योंकि फ्यूचर में अब गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है, प्रॉब्लम आ सकती है। जो लोग पुराने कर रहे हैं वो कर सकते हैं, लेकिन न्यू में आपकी आप रिस्क लेकर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और हमारे पास भी कुछ लोग आते हैं तो हम पहले बोल देते हैं कि जी गवर्नमेंट की कुछ भी पॉलिसी आ सकती है, अगर आप रजिस्टर कराते भी हो तो फ्यूचर की हमारी कोई गारंटी नहीं है। गवर्नमेंट की क्लोज कराती है या ऑब्जेक्ट चेंज कराती है या कुछ भी कंडीशन आती है तो हम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हम आपको आज ही बता रहे हैं बात जब आप रजिस्टर कराने के लिए आ रहे हो। दोस्तों फिर लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर करें क्या, निधि कंपनी में NDH-4 अप्रूव नहीं हो रहे हैं। तो दोस्तों निधि कंपनी में हमने काफ़ी सारे रिसर्च करने के बाद में काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं NDH-4 के रिगार्डिंग उन पर बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च की और बहुत सारे पॉइंट्स को हमने देखा कि किन किन वजह से रिजेक्शन आ रहा है। तो बेसिकली वो लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, जितने भी हमारे इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड रूल्स हैं, रेगुलेशन हैं, सेक्शन हैं, है ना, एक एक प्रोविजन, एक एक वर्ड है, उसको वो लोग बहुत डीपली ले रहे हैं, बहुत सीरियसली ले रहे हैं, बहुत अच्छे से चेक कर रहे हैं। एक एक पॉइंट, एक एक वर्ड भी इनकॉर्पोरेशन रूल्स का आपको मिस नहीं करना, 100% दोस्तों वो कंप्लाई करना है। निधि रूल्स हैं जो दोस्तों इनकॉर्पोरेशन मेंबर बनाने, कैपिटल अलॉट करने या फिर उनको जो भी रूल है, क्योंकि डिपॉजिट और लोन तो हम ले दे नहीं सकते हैं बिफोर अप्रूवल ऑफ NDH-4 एज पर न्यू मतलब निधि अमेंडमेंट रूल 22। तो दोस्तों हमें जो रूल मेंबर बनाने से रिलेटेड हैं, है ना, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से रिलेटेड हैं, डॉक्यूमेंट लेने से रिलेटेड हैं, है ना, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, ऑक्यूपेशन, अलॉटमेंट, उनसे रिलेटेड हैं, वो रूल दोस्तों हमें 101% फॉलो करने हैं। मेरी अभी जो हमारे नॉर्दर्न रीजन के RD हैं और रजिस्ट्रार हैं कानपुर की, उनके साथ भी दोस्तों मीटिंग हुई थी। उनसे मीटिंग करने के बाद भी यही लगा कि सेक्शन 406 जो निधि कंपनी को गवर्न करती है वो कहीं भी जाने वाली नहीं है दोस्तों, ये सेक्शन रहेगी हमेशा भी गवर्नमेंट की, इसके रिगार्डिंग कोई भी प्लानिंग नहीं है कि इसको हटाया जाएगा या क्या किया जाएगा। हमेशा स्ट्रिक्टनेस दोस्तों निधि कंपनी में यही रहेगी। अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो निधि कंपनी ट्राई कर सकती हैं। NDH-4 अप्रूवल की क्या कोई गारंटी है सर? जी नहीं दोस्तों, NDH-4 अप्रूवल की गारंटी हम भी नहीं लेते हैं। लेकिन अगर आपने निधि कंपनी अपनी हमारे पास ही रजिस्टर कराई हुई है तो दोस्तों NDH-4 फाइलिंग की हम प्रोफेशनल फीस नहीं लेते हैं अगर आपका NDH-4 अप्रूवल नहीं होता है। अगर आपका अप्रूव होगा तभी हम प्रोफेशनल फीस लेंगे, लेकिन जो गवर्नमेंट फीस है या आउट ऑफ पॉकेट फीस है, जो स्टैम्प ड्यूटी वगैरह पे होती है, उसकी फीस दोस्तों आपको देनी पड़ेगी। तो अगर आपका मकसद है कि सर मैं एक वैलिड और जिसको गवर्नमेंट आज की डेट में भी मतलब कि वैलिड मान रही है और फंडिंग की रिक्वायरमेंट भी कम है, उसको ट्राई करना चाहता हूँ, तो डेफिनेटली दोस्तों आप निधि कंपनी में ट्राई कर सकते हैं। 40-50 हज़ार का अपना खर्चा तो देखो होगा, वो करके ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रूल को समझना है और जिन भी कंसल्टेंट से कराते हैं
उनकी बातों को दोस्तों वन बाई वन फॉलो करके ही चलना है। आपको अपनी मर्जी बिल्कुल भी नहीं चलानी है, चाहे आप हमारे साथ रजिस्टर कराएं, हमारे साथ कंप्लेंस करें, या फिर अपने आपके जो भी सीए या फिर सीएस हैं उनकी गाइडेंस में ही आपको एक एक काम करना है, कुछ भी अपनी मर्जी से दोस्तों नहीं करना है, तभी आपका एनडीएच 4 आज की डेट में अप्रूव हो सकता है। तो इस वीडियो में इतना ही, आपकी कोई क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारी ईमेल आईडी है, दोस्तों हमें ईमेल कर सकते हैं। अगर आपकी क्वेरी कंसर्नड होगी या रीजनेबल होगी या फिर ऐसी होगी जिस पे हम आपकी हेल्प कर सकते हैं तो हम डेफिनेटली आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे।